अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप दूसरे लोगों के गिग से टैग इकट्ठे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कौन से टैग इस्तेमाल करें, कौन से टैग इस्तेमाल नहीं करने, हमने कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है और जो कीवर्ड टारगेट करना है उसको टाइटल के अंदर कैसे डालना है और टैग्स के अंदर उसको कैसे लिखेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे आके सर्च कर लेना, कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला में सर्च कर लेता हूँ, पिंटरेस्ट सर्च कर लेता हूँ, पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैंने सर्च किया। तो इस कीवर्ड के ऊपर 2125 लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देखेंगे लेवल 2 सेलर है, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, इसको न्यू टैब में ओपन किया, इसको न्यू टैब में ओपन किया, ठीक है। तो ये वाला जो सेलर है ना, ये लेवल 2 सेलर है, 7 ऑर्डर इनक्यू में जा रहे हैं इसके, ठीक है। आपने सिंपली इसके लास्ट में आ जाना, तो आपको पता चलेगा कि इसने कौन कौन से कीवर्ड टारगेट किए हैं अपने टैग्स के अंदर। तो ये देखें, इसने बिजनेस मार्केटिंग कंसल्टेंट, पिंटरेस्ट सोशल मीडिया मैनेजर और वेबसाइट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये देखें, इसने ये 5 टैग टारगेट किए हैं। उसके बाद ये वाला जो सेलर है, इसने किया टोटल, तो ये देखें इसके भी 5 ही हैं, ठीक है, टोटल जो टैग। तो आपने इन सबको कॉपी कर लेना, कॉपी करके अपने पास रख लेना। जब आप लोगों ने अपनी गिग बनानी है तो इन कीवर्ड्स को, इन टैग्स को ही टारगेट करना। तो ये देखें, ये सबसे अच्छा सेलर है, ये टॉप रेटेड सेलर है और इसके 20 ऑर्डर्स इन क्यू में जा रहे हैं। इसके मैं देख लेता हूँ कि इसने कौन कौन से कीवर्ड टारगेट किए। तो ये देखें, पिंटरेस्ट पिन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट इनवाइट सेटअप, ठीक है। तो इसने 4-5 कीवर्ड टारगेट किए हैं। तो जब आप कोई भी यहाँ से वो सर्विस सर्च करेंगे ना, तो ना फाइवर आपको सजेशन देगा। ये देखें, ये वाले भी कीवर्ड ही हैं, इन कीवर्ड के ऊपर आके जो क्लाइंट्स हैं ना, वो सर्च करते हैं कि मुझे, हमें ये वाले बंदे चाहिए। तो आप इनको भी एज अ टैग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपनी गिग बनाएंगे, उसके अंदर अच्छे कीवर्ड और अच्छे टैग इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी गिग पहले पेज पे रैंक करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सर्विसेज क्या है और आपने जो इसके अंदर टैग मेंशन किए हैं वो टैग क्या है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपने कीवर्ड्स कौन से मेंशन किए हैं, और इस तरह आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज गिग बना सकते हैं।